ये देखो ये घाट, सुंदर सा घाट। शाबाश, क्या बात है भाई, खतरनाक पहाड़ है कि क्या ही बताऊं। अभी सुबह के 8:40 हो रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हो यहाँ पे माहौल कैसा है, शोर शराबा वाला माहौल है सुबह से ही। इसी केस का मैंने काफ़ी कुछ ब्लॉग बनाए हैं, तो वो ब्लॉग आप नहीं देखे तो देखिएगा, अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लेसेस है घूमने के। गाइस एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ, यहाँ पे तितलियाँ बहुत सारी उड़ रहे हैं यहाँ पे, बट वो शायद नज़र आ रहा हो तो देखो यहाँ पे कितने सारे तितलियाँ हैं भाई, भयंकर सारे तितली हैं। अभी थोड़ा कम हो गया है, ये देखो यहाँ भी उड़ रही है, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है। ये देखो ये घाट, सुंदर सा घाट बना हुआ है यहाँ पे, कि पहाड़ों को काट काट के रोड को बनाया हुआ है, और बेहतर रोड बना हुआ है, एक भी कोई गड्ढे उड्ढे नहीं है। पेड़ पौधे तो देख ही रहे हैं आप, इतने घने घने पेड़ पौधे हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। यूके की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, यूपी की, दिल्ली, हरियाणा और अपना सीजी क्योंकि मैं लेके आया हूँ ना अपनी बाइक से। घाट ख़त्म होता तो मंदिर नज़र आते ना, वैसे यहाँ भी मंदिर है, जय माँ मनसा करके लिखा हुआ है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सामने में और घाट है लगता है, ये कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ऐसा लग रहा है बस दिखाते जाऊँ आप लोगों को। देखते जाइए आप लोग, यही लेके जाती है मसूरी देहरादून। आगे में एक बोर्ड नज़र आ रहे हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ उस पर। हाँ, मसूरी देहरादून राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ऐसा करके लिखा हुआ है, और हवाई अड्डा ऐसा करके लिखा है, मसूरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब ये वाली रूट है। अच्छा, अपने को तो जाना है भाई वहाँ पे। वाह, क्या घने घने पेड़ पौधे हैं भाई साहब, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई, मज़ा आएगा। गाइस तो देखिए नज़ारे भाई, यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है इस साइड, पहाड़ चढ़ाई करनी है अपने को। तो ये चढ़ाई करते हैं अपन भाई साहब। वाह क्या नज़ारे हैं। तो हम लोग गलत रूट पर आ गए हैं तो यहाँ से, लेकिन नज़ारे देखिए क्या नज़ारे हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं देखिए भाई साहब। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो जो चौंक है ना वहीं से अपने को मुड़ना है, मैं इस साइड मुड़ गया था, गूगल माता कुछ बोल नहीं रही थी तो मैं इधर ही मुड़ लिया चलो अच्छा हुआ ये नज़ारा देखने कम से कम मिल रहा अपने को। बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे भाई, ये देखो 1 BHK 2 BHK फ्लैट, और इतना बेहतरीन नसीब वाले हैं, अच्छे अच्छे जगह पर रहते हैं इन लोग। तो यही होता है गूगल मैप के थ्रू, बट कोई नहीं, नज़ारा देखने को मिला अपने को वही बहुत बड़ी बात है। ये देखो यहाँ भी टूरिस्ट लोग, तिब्बती लोग या नेपाली लोग पता नहीं। देन भाई इधर भी भीड़ भाड़ है,
ये वाले रूट पर घाट जैसा बना हुआ है और अधिकतर बाइकर इस साइड नज़र आए हैं मुझे, उनमें से मैं भी हूँ एक बाइकर। अरे शाबाश भाई साहब, मोड़ ही मोड़ है भाई ये, हम पहाड़ चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अब ऊपर से जो नज़ारा है वो तो खैर मैं आप लोगों को दिखला ही दिया हूँ, और कहीं अच्छा नज़ारा दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। शाबास, कितना मोड़ है भाई, मसूरी एकदम पहाड़ों पर स्थित है, मज़ा आएगा पहाड़ एरिया घूमने में। वो देखो जाम लग गई वहाँ पे, ट्रक की वजह से जाम लगा हुआ था क्योंकि ट्रक बहुत लंबा होता तो मोड़ नहीं पा रहे थे। चलो क्लियर तो हुआ कम से कम ये जगह। ये देखो विदेशी लोग, भाई विदेशी लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमते भाई। तो ये देखो घाट, हम लोग 3 घाट क्रॉस कर चुके हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। अच्छा यहाँ से भी अपन जा सकते हैं, क्या बात है भाई, हर तरफ से रोड बनी हुई है जाने के लिए। कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत जगह है ये, और ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश का समय है यहाँ पर। हरे भरे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ठंडा प्रदेश है ये, देखो नज़ारे हल्का फुल्का आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ, पूरा घाट जैसा बना हुआ है इस साइड भी। देन सही जगह है, अमृत कुंज करके लिखा हुआ है। ये देखो पहाड़, कुत्ते, देखो कहाँ कहाँ घर बना हुआ है। अरे शाबाश बाइकर, होटल भी है देखो, रूम्स ये सब जगह में आप लोगों को होटल मिल जाएंगे, लेकिन अपने को तो मसूरी में रहना है कि मसूरी कवर करने अपने को। वाह क्या नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे, वाह भाई काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखो पहाड़ अब दिखना स्टार्ट हो गया है, ओयो ओयो रूम बना हुआ है, देखते जाइए आप लोग। हॉर्न देना पड़ता भाई, कुछ दिखता ही नहीं है, इतना घुमावदार रूट है यहाँ पर। देखो वहाँ तक जाना अपने को, वाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है अपने शरीर को, भाई साहब क्या ही बताएं हम। ट्रक वाले हैं भाई, ट्रक व्रक भी चल जाता भाई, तेरी की काफी चढ़ान है, चढ़ गई भाई अपनी बाइक चढ़ गई। ओल्ड मसूरी रोड ऐसा करके गूगल माता बता रही है। ओके गूगल, भसक गया ये वाला तो। इधर है भाई ओल्ड मसूरी रोड। अच्छा कंटिन्यू 18 किलोमीटर, सही है, नीम का पेड़ है ये। यहाँ क्या मंदिर है,
काफ़ी घुमावदार रूट है भाई इस साइड तो, घूम घूम कर जाना हो रहा है। देखो पूरा एक घाट का वीडियो बन जाएगा ऐसा है। पावर ब्रेक, इसके पीछे रहूँगा तो दिक्कत हो सकती है, इसके आगे होना पड़ेगा मुझे। चलो सही समय में अपन मोड़ लिए, नज़ारे बेहद खूबसूरत है इस साइड के। ठंडा मतलब बोरेबासी, वाओ अरे शाबाश, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर करके लिखा हुआ है। मेरे हीरो लोगों बाइकर, मेरा भी फोटो आ गया साथ में, वीडियो ले रहा ना कार में, उसमें जिप्सी में बैठे हुए हैं। अपन भी पहना है वीडियो राइडर जैकेट, देख रहे हो। क्या बात है, क्या बात है भाई, सही है भाई सही है, और एक बार कर ले यार। निकल गए गाइस, तो यहाँ से अब नज़ारा देखिएगा, ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे हैं, बेहतरीन नज़ारे। अभी भी घाट बची हुई है, पूरा घाट वाला रूट है ये, पूरा घाट वाला। रिटर्न होते समय इस घाट का व्लॉग बनाऊंगा मैं, बहुत बड़ा घाट है भाई, और अपने बाइकर तो देखे ही हैं किस कदर से उन लोग यहाँ पे राइड करते हैं, बहुत हाइट में आते जा रहे हैं हम लोग। मसूरी बेहद खूबसूरत लोकेशन पर है, मसूरी नाम बस सुना था मसूरी का, आज देखने का सौभाग्य मिलने वाला है अपने को। वाओ देख रहे हो टॉप तक गाड़ी चल रही है भाई, देख के डर लग जाता है लेकिन। ये सब टूरिस्ट लोग हैं जो घूमने फिरने के लिए आए हैं यहाँ पे, कमेंट करके बताइए ये जगह आपको कैसा लग रहा है। सामने का पहाड़ देखिए भाई, इसी के तो पैसे हैं, ये सब एडवेंचर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओहो मसूरी 13 किलोमीटर, अभी तक हम लोग मसूरी पहुंचे नहीं हैं। मसूरी में भी एडवेंचर है, एक्टिविटी कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी। इतना खतरनाक पहाड़ है कि क्या ही बताऊं, यहीं कहीं रुक के एक बार दिखलाता हूं हम लोगों को, ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि हम लोग कितने हाइट में हैं। अब ये देख लो नज़ारे यहां से, देख रहे हो पूरा रोड बना हुआ, पूरा नज़र आ रहा है कितने हाइट में हम लोग। भाई साहब पूरे पैसे वसूल नज़ारे हैं,
ये है मसूरी। अब यहाँ से दिखना चालू हो गया है मसूरी। लोकल लोग यहाँ का एक्सपर्ट हो गए हैं ना चला चला के, क्योंकि इन लोग को यहीं रहना है, डेली आना जाना है ये सब जगह पे। कोई नया आएगा जो ये सब माहौल को देखा नहीं हो तो देख के डर जाएगा। देख रहे हो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो पाएगा हमारा तो। पता नहीं लोग कैसा चले जाते हैं भाई साहब। खाई देख के तो अपने को चक्कर आ जाता है। निफोरवा के बाइकवा चलात रहा बाड़ू। झड़ी पानी ये क्या है भाई? झड़ी पानी होगा कोई घूमने लायक जगह होगा, मज़ा आएगा। लेकिन भाई यहाँ पे घूमने में ठंडा लग रहा है। वाह, मई के दिनों में ठंड का एहसास। वाह 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 भाई, सही है भाई, सही।